प्रभाव तुम्हारे बताओ, तुम तो उस वक्त सोच भी नहीं होगी, छोटी सी मुझे सोच जल्दी से शादी हो जाए। हाँ, सोच ही नहीं थी ना, मैं मुझे आइडिया ही नहीं था कि शादी के बाद ये होता है। लिटरली आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, डर ऑफ कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक्साइटमेंट थी। शादी है मतलब, बिकॉज आई वॉज 18, तो मुझे तो माशाल्लाह 23 ईयर्स हो गए शादी को, तो उस टाइम पे तो मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि होगा क्या। अच्छा, ये बात हकीकत है जो कहते हैं कि शादी के कुछ साल बाद शक्लें मिलने लगती हैं, मिलने लगी है? नहीं। आपकी वाइफ की तो थोड़ी झलक आती है खानदान की है। ये पहले से लगती थी, मिलती है आप शादी के बाद? पता नहीं, मगर हाँ ये कहते तो है, मगर मुझे लगता है उसकी वजह पहले से मिलती थी। मुझे नहीं लगता कि मिलने लगी। बट इनकी बड़ी अच्छी बात थी कि वो यंग एज में शादी करना, आप साथ ग्रो करते हैं। और अगर आप लेट शादी करते हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर आप लेट शादी करते हैं आप फिर एडजस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि दोनों फिर मैच्योर हो चुके होते हैं। आप कहते हैं नहीं यार, मैं तो इस पर कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करूंगा और मैंने तो करना ही नहीं है। मतलब आप बड़े वो हो जाते हैं ना, स्टबन हो जाते हैं। आप यंग एज में शादी करते हैं, जितनी यंग एज में, तो आपके बच्चे आपकी फैमिली साथ ग्रो कर रही होती है। बेशक आप दोनों काम कर रहे हो, तो अगर यंग एज में गलत फैसला हो जाए फिर। लेकिन ये भी तो टोटली ला कहना है कि आपका ससुराल अगर आपको अच्छा मिलता है तो आप उसी उस माहौल में एडजस्ट हो जाएंगे। समटाइम क्या होता है कि अगर यंग एज में शादी होती, अच्छा वो पुराने जमाने, मेरी अम्मी की भी आई थिंक 14 ईयर्स की थी जब शादी हुई, तो क्योंकि पंजाब में तो वो जल्दी कर दिया करते थे, तो वो एडजस्ट हो गई थी उस माहौल में। वरना अगर यंग एज में जाओ तो वो एक तो खानदान इतना बड़ा, नहीं एडजस्ट नहीं, मैं नहीं समझती कि आप एडजस्ट होते हैं, बट आप मोल्ड हो जाते हैं किसी तरीके से। वही कह रही है कि मेरी अम्मी की 14 साल में हुई थी तो वो मोल्ड हो गई, टाइम कुछ और था। वो कह रही है आजकल की बच्चियों को, बिल्कुल सही आजकल, हाँ फर्क तो है। आपके पसंदीदा ड्रामे अब एक क्लिक की दूरी पर, चाहे हो मोहब्बत भरी कहानियां, सबक आमेज खेल या हो मजाया शोज, किसी भी लम्हे महसूस होने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल की खबरें हो या हो ड्रामे और फिल्मों के रिव्यूज, अपने स्मार्टफोन से अभी डाउनलोड कीजिए ARY डिजिटल की ऐप और रखिए अपने आप को एंटरटेनमेंट की दुनिया से बाखबर। ARY डिजिटल पर आहे राज देखने और अपने पसंदीदा नए और पुराने ड्रामों से लुत्फंदोज होने के लिए अभी विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन एंटरटेनमेंट वेबसाइट www.arydigital.tv। इन सब के अलावा फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, ट्विटर हो या टिकटॉक, ARY बिखेर रहा है हर रंग खुशियों के।